राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल राजस्थान में 2008 और 2018 में बहुजन समाज पार्टी 6-6 सीटों पर जीतकर आई थी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों बार ही कांग्रेस पार्टी को तोड़कर 6 के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करवा लिया था और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 विधायक छोड़ दिए थे। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और अमित शाह ने ऐसा जादू चलाया कि वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी को तो उन्होंने पूरी तरीके से गायब कर दिया। अशोक गहलोत का ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि जो राजनीतिक रणनीतिकार है राजस्थान के अंदर ही, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी और अमित शाह और मोदी ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया है तो राजस्थान में तो आपने भी बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया। राजस्थान में 2 बार बहुजन समाज पार्टी अपने कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पार्टी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पार्टी का सपोर्ट नहीं किया और पार्टी का समर्थन यानी कि आपको बाहरी समर्थन था उसके बावजूद भी आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और उसके बाद पार्टी को जो विधायक है उनको अपने पूरे के पूरे विधायकों को अपने पास मिला दिया। यानी कि उन्होंने साफ तरीके से अशोक गहलोत ने आपको बता दें कि अमित शाह और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और अमित शाह ने पता नहीं कौन सा जादू चलाया कि जो पूरा का पूरा हाथी है वही उत्तर प्रदेश से गायब हो गया। अब आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी सभी राजस्थान की 200 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। इसके अलावा प्रभारी रामजी गौतम यहाँ पर मुख्य तौर से प्रभारी हैं, वो पिछले कई दिनों से लगातार इस कार्यक्रम में है वो लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपनी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन अशोक गहलोत लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, लेकिन